नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्न सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में चढ़ते उतरते सियासी पारे को लेकर। बिहार में विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद, यानी कि बिहार में विधानसभा 2020 समाप्त होने के बाद से लगातार प्रदेश की सियासत का पारा जो है लगातार चढ़ता और उतरता दिख रहा है। वर्तमान में जिस तरह से तापमान में वृद्धि हो रही है, ठीक उसी तरह से बिहार का सियासी पारा भी चढ़ता और उतरता दिख रहा है। प्रदेश में बहुत ही जल्द लवकुश समीकरण, यानी कि जदयू में बहुत ही जल्द लवकुश समीकरण की एक तस्वीर देखने को मिलेगी, जब नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा एक साथ पार्टी के रूप में सामने दिखेंगे। पिछले कुछ महीने से उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जदयू लगातार प्रयास कर रहा था और उस प्रयास में जदयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा के बीच एक कड़ी के रूप में काम कर रहे थे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास एक अन्य मार्ग पर वशिष्ठ नारायण सिंह के सहयोग से उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच 5 बार की मुलाकात हुई। खबर है कि 2 दिन पहले कुशवाहा और नीतीश कुमार की मुलाकात जब हुई तो उस बैठक में भी वशिष्ठ नारायण सिंह मौजूद थे। उसी बैठक में बात लगभग फाइनल हो गई थी। सूत्रों की माने तो कुशवाहा की जो मांगे थी उसमें अधिकांश नीतीश कुमार की ने मान ली है। बिहार की राजनीति में इस बात की खबर तेज है कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार एक साथ होंगे। जब उपेंद्र कुशवाहा और वशिष्ठ नारायण सिंह एक साथ IGIMS पहुंचे और कोरोना का टीका लिया, टीका लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए इन दोनों नेताओं ने जब बताया कि महज यह एक संजोग नहीं है, यह एक मजबूत संबंधों का भी असर है, इस सवाल पर दोनों नेता मुस्कुराते रहे। कुशवाहा ने बोला कि हमारे संबंध दादा से काफ़ी पुराने हैं और जहां तक बात नीतीश कुमार की है तो हम अलग कब थे कि आज साथ होने की बात हो रही है। वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि कुशवाहा जी हमारे पुराने साथी रहे हैं, हमारे साथ बहुत जल्द आ जाएंगे और ये भी मान लीजिए कि आज से ही हमारे साथ आ गए हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि बहुत जल्द यानी कि 14 या 15 मार्च को जदयू और RSS का विलय हो सकता है। कुशवाहा की जो मांगे थी, यानी कि उनके सहयोगियों का बेहतर सामंजस्य हो जाए और उनकी भूमिका क्या होगी, इन तमाम सवालों का जवाब नीतीश कुमार ने दे दिया है और अब दोनों का एक ही होना महज एक औपचारिकता बस रह गई है। आपको बता दें कि बिहार की सियासत में उठापटक उस समय से देखा जा रहा है जब बिहार विधानसभा का चुनाव समाप्त हुआ था, जिसमें जदयू की सीटें कम हो गई थी। उसके बाद से जदयू लगातार अपने कुनबे में विस्तार करना चाह रहा है। ऐसे में वह काफ़ी अहम है कि जदयू में उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी में शामिल कर लिया जाएगा। इतना ही नहीं, जदयू ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक के नेताओं में बदलाव किया है। बताया जा रहा है कि जदयू अब बिहार में हर उस जाति में अपनी पकड़ बनाना चाह रहा है जहां अब तक जदयू की पकड़ नहीं थी। ऐसे में जदयू ने इस साल सवर्ण प्रकोष्ठ बनाया है, जिससे यह साफ हो गया है कि जदयू अब अपनी पकड़ सवर्णों यानी कि अगड़ी जातियों पर साधना चाह रहा है। आपको बता दें कि जदयू अब तक पिछड़ों और अति पिछड़ों की राजनीति करती रही है, वह लोहिया और कर्पूरी की बात करती रही है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जिस तरह से जदयू की सीटें कम हुई है, ऐसे में जदयू हर उस हथकंडे को अपनाना चाह रही है जिससे कि वह अपनी सीटों को बढ़ा सके। इसी कड़ी में जदयू ने बिहार के एकमात्र निर्दलीय विधायक सुमित सिंह को अपने पाले में किया, इसके बाद BSP के विधायक को भी अपने पाले में कर लिया है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प है कि जदयू अब आगे किस हिसाब से और कैसे बढ़ती है। बिहार और बिहार से जुड़े हुए और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।